हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमको e के पावर 2x और साइन 2x का फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, लेबनीज थ्योरम यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, हमने प्रूफ दिखाया था पूरा कि कहाँ तक हम जाते हैं। देखो, फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है तो हम 4c4 तक टर्म जितने भी आते हैं, 4c1 के, 4c4 और 4c4 के पहले सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, उसके बाद क्या आएगा, कोई भी टर्म 4c5 आएगा, ठीक है। और कभी भी आपका r का वैल्यू ग्रेटर देन n नहीं होता, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के रूल को ही ब्रेक करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक चेक करेंगे, ठीक है। ये थ्योरम क्या होता है, हमने प्रूफ में अच्छे से बताया था, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक को u बना लो किसी को, एक किसी को भी v बना लो, ठीक है। तो करते क्या है, पहले क्या होता है, dn ऑफ u, तो n का वैल्यू कितना है, 4, मतलब हमको फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो क्या करोगे, d4 ऑफ साइन 2x, और क्या आता है उसके साथ, u मल्टीप्लाई, सॉरी, उसके साथ v मल्टीप्लाई में आता है। तो v कितना है, e टू के पावर 2x प्लस 4nc1 होता है, n का वैल्यू 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4c1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, d ऑफ n माइनस 1, n का वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1 मतलब क्या, 3 ऑफ u, u कितना है, साइन 2x है। और क्या उसके साथ आता है, d ऑफ v, v कितना है, e टू के पावर 2x प्लस 4c2। फिर क्या आता है, d2 ऑफ साइन 2x, और क्या, d2 ऑफ e टू के पावर 2x प्लस 4c3 d1 ऑफ साइन 2x, और उसके साथ क्या आता है, d3 ऑफ e टू के पावर 2x हो गया। यहाँ पे n 4c1, 4c2, 4c3, 4c3 हुआ, 4c4 की बात करते हैं, तो 4c4, देखो d के पावर क्या होता है, n माइनस 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 4 है, तो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, सॉरी, d के पावर n माइनस 1 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, d के पावर n माइनस 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, d के पावर n माइनस 3 होता है, 4 माइनस 3 1, d1 फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या होगा, d के पावर n माइनस 4 होगा। तो देखो, n का वैल्यू कितना है, 4, 4 माइनस 4 मतलब 0, और d के पावर 0 का मतलब 1, तो d को छोड़ दो, मतलब सिर्फ क्या मिलेगा हमको, साइन 2x बचेगा, d के साथ ही साइन 2x है ना, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x हमको यहाँ पे लिखना था, 4 माइनस 4 वो 0 हो गया, तो वो तो हट गया, ये बचा, ऐसे ही ना लिखा था, कंफ्यूज हो, डी एन माइनस 4 ऑफ साइन 2x, ऐसे ही थ्योरम में लिखा रहता है, ये 0 हो गया, तो ये हट गया ना, डी के पावर 0 का मतलब वो हट गया, फिर क्या बचा है, ये बचा हुआ है, मतलब क्या, साइन 2x बचा हुआ है, और क्या उसके साथ क्या आता है, उसके साथ आता है डी 4 ऑफ टू के पावर 2x, इतना हो गया, बस आपको करना क्या है, वैल्यू रखना है, ठीक है। तो साइन में लिख लेते हैं पहले कुछ वैल्यू, ठीक है, जैसे y इक्वल टू e टू द पावर 2x लो, इसका हम y1 y2 y3 y4 वैल्यू निकालते हैं, y1 करोगे तो कितना आएगा, e के पावर 2x का e के पावर 2x साथ में 2, y2 कितना आएगा, 2 2 2 2 4 e टू के पावर 2x, y3 करोगे तो 8 हो जाएगा e टू के पावर 2x, y4 करोगे तो 8 2 16 हो जाएगा e टू के पावर 2x हो गया। और उसके बाद क्या, साइन वाले टर्म की बात करें, तो जैसे हमको दिया क्या है, y इज इक्वल टू साइन 2x दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करो, y1 निकालो, तो साइन पे क्या होता है, cos, तो कितना आएगा, cos 2x साथ में कितना, 2, फिर क्या, y2 निकालो, तो कितना आएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, और ये 2 फिर से डिफरेंशिएट करोगे 2x को, तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये 2 पहले से ही है, तो कितना हो गया, 4, y3 करोगे तो साइन का कितना होता है, cos, तो cos 2x, और क्या, 2x को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे माइनस 4 पहले से ही है, तो माइनस 8 हो गया, y4 करोगे तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, जो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो कितना हो गया, साइन 2x, फिर 2x बाहर निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई होकर 16 बना, टाइम बना देगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, वैल्यू रखो, तो कितना होगा, पहले d4 ऑफ साइन 2x, मतलब फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये कितना है, 16 साइन 2x, और साथ में क्या, e टू के पावर 2x, ये हो गया। फिर क्या, 4c1, 4c1 का वैल्यू 4 होता है, तो ठीक है, तो प्लस 4, और उसके बाद क्या, d3 ऑफ साइन 2x, d3 का कितना वैल्यू है, माइनस 8 है, तो इसको माइनस 8 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो कितना होता है, 8 4 32 cos
और क्या डी ऑफ ई टू के पावर ए, ई टू के पावर 2x, मतलब पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो कितना है 2e के पावर 2x, तो इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 64 ई टू के पावर 2x, इतना हो गया। फिर क्या बात करते हैं, ये हो गया ये हो गया, ये 4c2 का वैल्यू कितना होता है 4, 3 या 12 बाय 2 मतलब 6 होता है, ठीक है आप निकाल के देख लेना 6 ही आएगा। और क्या d2 ऑफ sin 2x मतलब सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसका वैल्यू कितना है -4 sin 2x, तो इसमें -4 मल्टीप्लाई करो तो 6 4 जा 24 -24 sin 2x। और उसके बाद क्या d2 ऑफ e टू द पावर 2x मतलब ये वाला वैल्यू कितना है 4 e टू द पावर 2x, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 96 e टू के पावर 2x। फिर क्या 4c3 है, 4c3 का वैल्यू 4 होता है तो 4 d1 ऑफ sin 2x पहला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसका वैल्यू कितना है 2 cos 2x, तो ये कितना हो गया प्लस 4 2 जा 8 cos 2x। और इसके बाद क्या d3 ऑफ e टू द पावर 2x मतलब क्या इसका वैल्यू ये कितना है 8 e टू द पावर 2x, तो इसमें 8 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 64 e टू के पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे बात करो 4c4 का, 4c4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 छोड़ दो बचेगा क्या sin 2x और d के पावर 4 2x मतलब फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर 2x, वो कितना है 16 e टू द पावर 2x, तो लिख दो 16 e टू द पावर 2x, इतना हो गया। देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना ये sin वाले टर्म, तो देखो बचा कितना है यहाँ पे 16 32 और -96 कितना हो गया 96 32 624 6 -64 sin 2x e टू के पावर 2x, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है नोट कर लो।